लोकसभा चुनाव के लिए रण सज चुका है। एनडीए को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है और लंबे समय से विपक्ष में पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर जारी कश्मकश पर भी विराम लग चुका है। इंडिया गठबंधन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में ये फैसला लिया गया। इसमें 28 पार्टियां शामिल हुई। उन्होंने अपनी पार्टी की लाइनें प्रस्तावित की। इस दौरान ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। विपक्ष की ओर से पीएम पद के ऐलान के बाद भले ही ऐसा लग रहा हो कि अब सब कुछ सही हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में भी रूठने का सिलसिला जारी रहा। रिपोर्ट्स की माने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू यादव इस सुझाव से नाराज नजर आए। इतना ही नहीं, दोनों नेता बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए और बैठक के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इंडिया गठबंधन की बैठक में कोई नेता नाराज नजर आया है। इससे पहले की भी बैठकों पर नजर डालें तो रूठने मनाने का ये दौर जारी रहा है। पटना में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई इंडिया गठबंधन की पहली बैठक के दौरान अरविंद केजरीवाल नाराज नजर आए थे। कारण था दिल्ली में नौकरशाहों पर नियंत्रण संबंधी अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का उन्हें समर्थन न करना। इसके बाद 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई दूसरी बैठक में आगामी आम चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए 26 विपक्षी पार्टियां एक साथ आईं। बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया। इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार नाराज हुए और उन्होंने गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर कड़ी आपत्ति जताई। वहीं मुंबई में हुई तीसरी बैठक के दौरान गठबंधन ने 5 समितियों का गठन किया, जिनमें अभियान समिति, समन्वय रणनीति समिति, मीडिया, सोशल मीडिया और अनुसंधान समिति शामिल है। उस बैठक में 28 विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए भी रणनीति तैयार की। यहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज नजर आई थी। ममता बनर्जी सीट बंटवारे समझौते के लिए समय सीमा तय न कर पाने से नाखुश थी। वही मंगलवार यानी 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई गठबंधन की चौथी बैठक में सीट बंटवारे, संयुक्त अभियान का खाका और 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा से मुकाबला करने की रणनीति बनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन यहां मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तावित करने को लेकर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार नाराज नजर आए। वे इस फैसले से इस कदर नाखुश हुए कि वो बैठक के बीच से ही चले गए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो लालू नीतीश की नाराजगी के पीछे की वजह तेजस्वी यादव है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार पीएम चेहरा बनते तभी तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसलिए दोनों नेता खड़गे का नाम प्रस्तावित करने के बाद खासे नाराज नजर आए हैं। अब इंडिया गठबंधन में रूठने मनाने का ये दौर कब तक जारी रहता है और रूठने मनाने की कश्मकश के बीच क्या वो एनडीए को चुनौती दे पाते हैं, क्या वो 2024 तक एक साथ रह पाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।